नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। उन्नाव के गंगा घाट इलाके में रहने वाली आयुषी ने नगर का गौरव बढ़ाया। सबसे कम उम्र में सिविल जज की परीक्षा पास की। टीवी मैकेनिक की बेटी ने इतिहास रचा। छात्रा की सफलता से परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं। 10 घंटे की पढ़ाई और मेहनत से छात्रा ने साबित कर दिया कि मेहनत और मशक्कत कर अपना लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जिला जज के लिए हुए सिलेक्शन में 610 जज की लिस्ट में 181वां स्थान प्राप्त किया। पास होने के बाद अब जाएंगे ट्रेनिंग पर। आयुषी पांडे उम्र 22 साल की है। लखनऊ यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस से 5 साल LLB की तैयारी कर पहला एग्जाम में पास हुई है। आयुषी के पिता धर्मेंद्र पांडे अपने ही घर पर एक छोटी सी दुकान संचालित करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण बेचते हैं व रिपेयर करते हैं। पिताजी का कहना है कि आयुषी बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थी और उसका सही और गलत को लेकर जजमेंट करने का शौक शुरू से ही रहा है, इसलिए उसके पिता ने कभी भी आयुषी के लिए फैसले पर कभी भी पाबंदी नहीं लगाई, जिसकी मेहनत परिणाम उसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम अंकित हुआ तो परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आयुषी की माता संगीता पांडे, उनका पूरा परिवार आयुषी के घर पर पहुंचकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी। आयुषी का छोटा भाई निखिल पांडे, जो BSA पूरा करने के बाद PCS की तैयारी करता है, आयुषी ने बताया कि उसके इस मुकाम तक पहुंचाने में उसकी माता संगीता ने भी कड़ी मेहनत की। माँ ने बेटी को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग किया। जहाँ मदद की जरूरत पड़ी, माँ ने आगे बढ़कर साथ दिया। जब लोगों को आयुषी के बारे में मालूम हुआ तो सुबह से ही घर पर लोगों का आने जाने का सिलसिला बढ़ गया और आयुषी को मुबारकबाद देने के लिए नगर से काफी लोग भी पहुँचे। और हमें सबसे गर्व है इसके पढ़ाई के वजह से, या इसके जो भी मतलब डिसीजन वगैरह रहे हैं सारे सही रहे हैं और समय समय पे जल्दी इसने डिसीजन लिया। हमने कभी इंटरव्यू में जो इसने जो भी पढ़ना चाहा वो हमने ये पढ़ा है और आज वो इस मुकाम पे अपने बदौलत पहुंची है। क्या करते हैं आप, किस तरह से जिंदगी में के साथ है? जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव हुआ है, हिम्मत नहीं आ रही। मैंने मेरे परिवार ने भी बहुत सहयोग किया मेरा और बस इस तरीके से मैं इस मुकाम पर पहुंचा है। पढ़ने में बहुत अच्छी थी इसलिए मुझे इसी तरह से अपने वो करके पढ़ा लिया। लड़की बहुत अच्छी है, अपना पहला स्थान दिखाती थी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। आज ऐसा लग रहा है कि आज मेरा हमेशा से जो सपना था वो पूरा हो गया है, मेरा और मेरे परिवार का। किस तरह से आप मतलब कोचिंग क्या स्ट्रगल किया है? जी मैंने अपने स्कूली लाइफ में ही काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है और उसी दौरान मेरी पढ़ाई अच्छी रही। उसके बाद मेरा जब लॉ के प्रति थोड़ा झुकाव हुआ तो मैंने LLB ऑनर्स करना चूज़ किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से और उसके बाद वहाँ पर मैंने 5 ईयर्स का लॉ कम्प्लीट किया और फाइनली जब मेरा लास्ट ईयर था उसी वक्त ये फॉर्म आया और मैंने ये फिल किया और आज मैं यहाँ पर। इस क्षेत्र में क्यों चुनना चाहते थे? क्योंकि मुझे हमेशा से सामाजिक चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है हमेशा से, तो मैं हमेशा से समाज के लिए कुछ करना चाहती थी तो इस वजह से मैंने ये फील्ड चूज़ किया ताकि मैं सारे वर्ग से जुड़ सकूँ और उनको न्याय और समानता और न्याय का मतलब जो भी न्याय है उनको मुहैया कराया जा सके। आज अब जो मुकाम हासिल हुआ है उसके लिए और भी यानी देश में नारी शक्ति हैं महिलाएं, उनके लिए क्या पैगाम है? पैगाम मेरे लिए सारी महिलाएं जो हैं उनके लिए यही पैगाम है कि आप किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है और आप अपने स्वावलंबी बने और अपने आप को अगर आप एक मुकाम पर पहुंचा लेंगी तो फिर कोई भी आपको किसी भी तरह का शोषण या जो महिलाओं के प्रति जो भी अत्याचार हो रहा है वो इसी तरीके से रुक सकता है अगर वो स्वावलंबी बने सारी की सारी महिलाएं। आज आप जिस मुकाम पर हैं से उसका श्रेय किसको देना चाहिए? जी अलमाइटी गॉड, मेरे मम्मी पापा और मेरा परिवार। और नाउ सर सिद्दीक अहमद की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।